दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में तीन व्यक्ति हुए घायल, एक की हालत नाजुक। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत गोपी होटल के पास डूंगरपुर रोड पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में तीन लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास रोहित महेश डेंडोर निवासी कोपड़ा थाना सागवाड़ा और विनोद तीनों एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक असंतुलित होकर एक कार को जा टकराई, जिसमें तीनों घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस EMT मुकेश मालविया ने बताया कि इसमें एक की हालत गंभीर है। फिलहाल राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में इनका इलाज जारी है। सागवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। क्षतिग्रस्त बाइक को पुलिस थाना सागवाड़ा में रखवाया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों पावर बाइक की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन ने पावर बाइक को नियत स्पीड से चलाने की अपील की है। वहीं सागवाड़ा नगर के आदिवासी समाज अध्यक्ष मोहनलाल भगोरा ने भी अपील की है कि पावर बाइक को कम स्पीड में चलाएं और दुर्घटनाओं से बचें। सागवाड़ा में गोपी के पास में एक्सीडेंट हुआ और हमें 108 के थ्रू 3:36 पे कॉल आई जयपुर से, और हमें बताया गया कि गोपी के पास में एक्सीडेंट हुआ है और हम यहाँ से मतलब सीन के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाके देखा तो एक स्पीड बाइक पे तीन व्यक्ति सवार थे, जो एक्सीडेंट हुआ घायल हो गए। उनको सागवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एडमिट कराया। एक की हालत थोड़ी गंभीर है और दो नॉर्मल है। नाम है, एक का विकास नाम है, एक का महेश नाम है, कोपड़ा के निवासी हैं। एक विनोद करके है, वो आत्री के आसपास का बताया जा रहा है। उसका भी कोई वो नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है को आत्री का है को हमें। सर आपका नाम? मेरा नाम है EMT मुकेश मालविया और हमारे साथी है सोनू तोमर जी साथी। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।